Here I will discuss in another cue card, which is the second cue card of new PDF September to December 2022 first version. So the cue card is describe an object you find particularly beautiful. आपने एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि वो काफी सुंदर है. Where the art work or object is, कहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट, जहाँ कौन सा है ऑब्जेक्ट, what the object is, how it was made, कैसे वो बना हुआ है, what it looks like, वो कैसा दिखता है, and explain why you find it particularly beautiful, और explain करना है कि आपको वो इतना beautiful क्यों लगता है. Well, India is a diverse country. India एक diverse country means विभिन्नता का देश है and has rich cultural heritage. और इसका बहुत ही rich जो है वो विरासत है अलग अलग culture को लेके. So there are ample things that are quite stupendous and precious. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं and precious हैं. Ample means many and stupendous means fabulous. मतलब सुंदर है, ब्यूटीफुल है. हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच आई फाइंड स्प्लेंडेड. आज मैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो मुझे काफी स्प्लेंडेड लगा. स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार लगा. दैट ऑब्जेक्ट इज एन एंटीक हैंडक्राफ्ट वुडन मिरर फ्रेम. वो क्या ऑब्जेक्ट है, एक एंटीक, एंटीक पीस हम उसको बोलते हैं जो एशियन टाइम को बिलोंग करता है. तो वो एक हैंडक्राफ्ट वुडन मिरर फ्रेम है जो एशियन टाइम को बिलोंग करता है. आई विवर्डली रेमिनेंस, रेमिनेंस मतलब रिमेम्बर, ऑन माई 18th नेटल डे. नेटल डे होता है बर्थडे, जिस दिन बर्थडे होता है, बर्थ हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं नेटल डे. जो मेरा 18th नेटल डे था, आई रिसीव्ड अम्प्टीन प्रेजेंट फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस. मैंने बहुत सारे जो प्रेजेंट थे, गिफ्ट थे, वो अपने नियर एंड डियर वन से रिसीव किए थे उस दिन पे. ऑन दैट स्पेशल ओकेजन ऑफ माइन, जो मेरा वो स्पेशल ओकेजन था, माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी अ वुडन बॉक्स. मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे एक वुडन का बॉक्स गिफ्ट किया था. व्हेन आई ओपन इट, जब मैंने उसको ओपन किया, आई वॉज बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू. दिस इज एन इडियम दैट वी यूज फॉर सरप्राइज और शॉकिंग थिंग. यहाँ पे आप सरप्राइज आप बोल सकते हो कि मैं उस टाइम पे सरप्राइज था. उस वहां पे उसको देख के सरप्राइज्ड की जगह पे अगर आपने कोई वहां पे वोकैबुलरी वर्ड बोलना हो तो आप फ्लैबरगास्टेड बोल सकते हो. आई वॉज फ्लैबरगास्टेड बिकॉज देयर वॉज एन एलिगेंट मिरर. वहां पे एक बहुत ही सुंदर मिरर था. आफ्टर रिसीविंग दैट गिफ्ट आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और ऑन द 7th हेवन. दीज बोथ आर इडियम्स विच वी यूज फॉर एक्सट्रीमली हैप्पीनेस. I was on the 7th heaven. उस टाइम में बहुत खुश थे बिकॉज दैट वॉज द प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी. क्योंकि वो मेरे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट था. आई स्टिल हैव दैट मिरर एंड आई हैव प्लेस्ड इट ऑन द फर्स्ट वॉल ऑफ माई रूम. अभी भी मेरे पास वो मिरर है और मैंने उसको प्लेस किया हुआ है जो मेरे रूम की फ्रंट वाली दीवार है. एज इट इज एन ऑल शेप. ऑल शेप होता है जो अंडाकार शेप होती है, तो ऑल शेप में है. सो इट इनहांसेस द ब्यूटी ऑफ माई रूम. और ये मेरे रूम की ब्यूटी को बढ़ा देता है. इनक्रीजेज मीन्स इनहांसेज. मोर ओवर दैट मिरर हैज अ वुडन फ्रेम. इसके अलावा उस मिरर का वुडन फ्रेम है विच इज क्वाइट आई कैची. आई कैची वर्ड हम तब यूज करते हैं जो चीज बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो, जो अपने तरफ हर किसी का ध्यान खींचे. तो वहां पे आप आई कैची वर्ड यूज कर सकते हो. इवन इट इज स्टडेड विद ब्यूटिफुल स्टोन्स. स्टडेड का मतलब होता है जड़ा हुआ होना. जो ब्यूटीफुल सुंदर से स्टोन्स हैं, मोती हैं, उनके साथ वो जो वुडन का फ्रेम है वो स्टडेड है, जड़ा हुआ है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची में बता रहा हूँ, इट सीम्स एज एन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. ये एक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर लगता है. दिस इज अगेन एन idiom जो हम लोग यूज करते हैं उस चीज के लिए जो बहुत ही ज्यादा शानदार हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, जैसे कहने का मतलब मास्टरपीस हो किसी आर्किटेक्चर का. बिसाइड दिस, इसके अलावा, दैट मिरर इज नॉट सोलली एन ऑब्जेक्ट फॉर मी, इन फैक्ट इट्स लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर. वो जो मिरर है वो मेरे लिए सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं है, इनफैक्ट वो मेरे लिए एक तरह की दुआ है, एक तरह की गुड विशेज है मेरी ग्रैंड मदर की तरफ से. सोलली का मतलब होता है ओनली.
इवन आई वुड लव टू गेट इट विद मी वेन एवर आई विल गो ओवरसीज फॉर माई हायर एजुकेशन. इवन मैं इस मिरर को अपने साथ भी लेके जाऊंगा जब भी मैं ओवरसीज जाऊंगा अपनी हायर एजुकेशन के लिए. एज आई एम एन आर्ट एंथुसियास्ट. आर्ट एंथुसियास्ट कहने का मतलब जिसको आर्ट पसंद होता है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट वर्क है, कोई पेंटिंग है, कुछ भी जो आर्ट का है, जिसको आर्ट पसंद होता है उसको हम बोलते हैं आर्ट एंथुसियास्ट. अब यहाँ पे जो वर्ड एंथुसियास्ट है, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो एज अ वोकैबुलरी वर्ड. जहाँ पे अगर आपने बोलना किसी स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करनी हो, जिसको स्पोर्ट्स लवर होते हैं जो, उनके लिए तो आप बोल सकते हो आई एम अ स्पोर्ट एंथुसियास्ट. आप आर्ट के लिए बोल सकते हो आर्ट एंथुसियास्ट. बुक रीडर है तो आई एम अ रीडिंग एंथुसियास्ट. तो वहाँ पे आप कोई भी वर्ड के साथ एंथुसियास्ट वर्ड लगा सकते हो जो पर्सन किसी चीज़ का पर्टिकुलर शौकीन है. सो आई हैव कलेक्टेड मायरेड हैंडीक्राफ्ट ऑब्जेक्ट. सो इसलिए मैंने बहुत सारे मायरेड, मतलब मैंने हैंडीक्राफ्ट जो है ऑब्जेक्ट्स, उनको कलेक्ट करके रखा हुआ है. दिस इज द रीजन, यही रीजन है माई कॉमरेड्स ऑफन कॉल मी अ पैक रेट. मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अक्सर मुझे पैक रेट बुलाते हैं. पैक रेट अगेन यहाँ पे idiom है जो हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसको कोई ना कोई चीज कलेक्ट करने का शौक होता है. हु हैव फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स. कोई भी चीज हो जाए, चाहे वो कॉइन्स हो जाए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट्स हो जाए, चाहे वो ज्वेलरी हो जाए, तो कोई भी चीज जो है जो कलेक्ट करता है पर्सन, उसको हम लोग पैक रेट बोल सकते हैं. बट आई डीम दैट, बट मैं ऐसा सोचता हूँ. डीम मतलब थिंक. और यहाँ पे आप एक वर्ड है सरमाइज, वो भी थिंक के लिए यूज कर सकते हो. बट आई सरमाइज दैट और बट आई डीम दैट. आई नो व्हाट द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इन चीजों की. प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट. अब आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग कई बार रीडिंग करते हैं तो वहां पे आता है प्रिसाइजली वर्ड, तो उसका मतलब होता है एग्जैक्टली. रेदर देन कि आप एग्जैक्ट बोलो या एग्जैक्टली बोलो, कोशिश करो कि आप वर्ड यूज करो प्रिसाइज और प्रिसाइजली. सो आई यूज दिस मिरर डेली टू सी माई सेल्फ. सो मैं ये मिरर जो है वो डेली यूज करता हूँ अपने आप को देखने के लिए. एंड इट गिव्स मी इनर कॉम्प्लेसेंसी. और ये मुझे एक अंदरूनी शांति देता है जब भी मैं खुद को जो है मिरर में देखता हूँ. कॉम्प्लेसेंसी के लिए भी यहाँ पे वर्ड्स हैं सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन और कंटेंटमेंट. ये फोर वर्ड्स हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेसेंसी, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन एंड कंटेंटमेंट. इनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो. सभी का मतलब ये है सेटिस्फेक्शन. टू कैप इट ऑल, ये हम लोग यहाँ पे एंडिंग के लिए idiom यूज कर रहे हैं. टू कैप इट ऑल इन अ नटशेल और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट आई फाइंड पर्टिकुलरली ब्यूटिफुल. ये वो ऑब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटिफुल है. एंड इट इज सो क्लोज टू माई हार्ट, और ये मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है. सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड जो बेस्ड था उस सब्जेक्ट पे जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है. होप है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.